गुड इवनिंग, दिस इज़ योर स्नेहा। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। सो वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं वीडियो में क्या शेयर करने वाली हूँ। सो डेफिनेटली अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया, आई विल पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस, तो स्किन को सबसे पहले प्रेप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का बल्गेरियन एंड हायलुरोनिक एसिड फेस मिस्ट। और यहाँ पे मैंने सीरम में यूज़ किया है गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम। और सारे प्रोसीजर के बीच में ना आप सिर्फ दो दो मिनट का एटलीस्ट गैप लेना, तो इससे जो भी प्रोडक्ट है ना वो अच्छे से आपके फेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है शीक न्यूट्रिक्स का सनस्क्रीन। ये वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं देता और ये कोरियन प्रोडक्ट है, तो आप देख सकते हो लगाने के बाद स्किन काफ़ी शाइनी सा है। और मैं बाय द वे प्रोडक्ट को सारे टैग कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि नाम इस वक्त मेरे को याद नहीं है, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। अब आती है स्किन को मॉइस्चराइज़ करने की बारी, तो मैंने यहाँ पे डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर राइस वाटर क्रीम यूज़ किया है, मॉइस्चराइजर क्रीम। और इसके बाद मैं प्राइमर में यूज़ कर रही हूँ रेने का बॉलीवुड फिल्टर, एंड सीरियसली बहुत ही अमेजिंग सा प्राइमर है ये। पोर्स झट से ये एकदम ब्लर कर देता है, और जैसे आप देख सकते हो मैं अप्लाई कर रही हूँ, अप्लाई करने के साथ साथ ये पोर्स को एकदम ब्लर आउट करके ना एक कैनवस, स्मूथ कैनवस तैयार कर देता है कि आगे के प्रोसीजर को आप फॉलो अच्छे से कर सकते हो। और प्रोडक्ट बहुत मक्खन की तरह ना आप मतलब अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का पैनस्टिक कलर करेक्टर यूज़ किया है, काफ़ी चीपेस्ट है और चीप में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अंडर 200 है। और यहाँ पे मैं जैसे कि नो फाउंडेशन लुक है ये, तो मैं सिर्फ कंसीलर का यूज़ करूँगी। इसके लिए मैंने लैक्मे का म्यूज़ कंसीलर यूज़ किया है, एंड दिस इज़ द शेड हनी। और इसे ना अच्छे से मैं अपने फेस के यूजुअल पॉइंट्स पे तो अप्लाई करूँगी, और थोड़े फेस के नॉर्मल चीक्स पे भी ऐसे अप्लाई कर लूँगी, फोरहेड पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी, और उसके बाद एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। ये म्यूज़ कंसीलर जो है ना बहुत ही अच्छा है, और ये फाउंडेशन की तरह ही काम करता है। अगर आप फाउंडेशन यूज़ नहीं भी कर रहे हो ना चलेगा। यहाँ पे मैंने पॉस का ये एक फाउंडेशन स्टिक है जिसे मैं एज अ कॉन्ट्यूर यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ द शेड एक्सप्रेसो। और ये पता नहीं कैसे गाइस ये ना टूट सा गया है बीच में से, जो काफ़ी मतलब लगाने में अब थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट फिनिश तो करना ही है। खैर, तो यूजुअल पॉइंट्स को मैंने टारगेट करते हुए अप्लाई कर लिया। और जिस कि डबल चिन है और अगर आप उसे हाइड करना चाहते हो ना, तो गले में जिस हिसाब से मैंने नेक पोर्शन में अप्लाई किया है, गले में वैसे ही अप्लाई कर लेना और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना, तो डबल चिन थोड़ा सा हेल्प करता है, वो हाइड होता है। इंस्टेड ऑफ ब्लश मैंने यहाँ पे टिंट का यूज़ किया है बाई कप्स एंड लैशेज, एंड दिस इज़ द शेड इन सेल्फ लव 08। बहुत अच्छा कलर है, प्यारा सा, और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और कॉन्ट्यूर के ही सारे यूजुअल पॉइंट्स को मैंने अच्छे से ब्रॉन्जर के साथ सेट कर लिया है, जिससे ये डे टाइम में ना काफ़ी सनकिस्ट लुक प्रोवाइड करेगा, जो काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पॉस का SD ब्रॉन्जर। और उसके बाद फटाफट मैंने ये लैक्मे के कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने यूजुअल पॉइंट्स को, जो टी जोन को फोकस करते हुए, मैंने फटाफट सेट कर लिया है। बेकिंग नहीं किया, जस्ट सेट किया है मैंने, जैसे यहाँ पे क्रीजेस ना पड़े। और पूरे मेकअप को फटाफट सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का फिट मी सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, और ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से सेट कर लिया है। ब्राउ के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लॉरियल पैरिस का ब्राउ जीनियस किट, और अच्छे से पहले कोम कर लिया। और कोम करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्राउज को सेट करने के बाद फिर से एक बार डबल कोम कर लूँगी, जिससे प्रोडक्ट अच्छे से स्प्रेड हो जाए और एक जगह ना रहे। और आईब्रोज देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं जब आई मेकअप हो जाता है, तो सो आई एम डन हियर। अब आती है आई मेकअप की बारी, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का 32 कलर फॉरएवर आई शेडो पैलेट मैंने लिया है, और इसमें से मैंने एक बेज कलर को सेलेक्ट किया है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्किन कलर टोटली एज अ ट्रांजेक्शन शेड। मैं पूरे इसे अपने आई लीड पर अप्लाई कर लूँगी, और लोअर वाटर लाइन को भी अच्छे से मैं स्मज कर दूँगी एक स्मज ब्रश की हेल्प से। फिर मैंने यहाँ पर एक डार्क ब्राउन को लेते हुए
आई बोन पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से, और अप्लाई करने के बाद उसे मर्ज कर लूँगी जिससे कोई हार्श लाइन ना रह जाए और ये अच्छे से थोड़ा सा डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन हो। बिकॉज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली थी एज़ पर माई ड्रेस, यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑरेंज शिमर अप्लाई किया है जो आई लीड पे ही फोकस करते हुए मैंने क्रीज लाइन तक ही अप्लाई किया है। तो ये डार्क एंड लाइट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो काफ़ी अच्छा लगेगा, और इसे थोड़े फिंगर टिप से मैंने सेट कर लिया है। और काजल के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन का ये काजल है, और इससे अपने अपर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन को टाइटन अप कर लिया है मैंने अच्छे से, जिससे आईज थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखें। और इसे मैंने फॉक्स आई क्रिएट करने के लिए अच्छे से इनर कॉर्नर को भी मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया है जिससे आईज थोड़े से मतलब प्यारे दिखे, और जिस हिसाब से मैं आई मेकअप को कर रही हूँ ये अच्छे से पूरा सेट हो जाए। और मस्कारे के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नायका का मस्कारा, और इसका वोन काफ़ी अच्छा है, लाइट होने की वजह से ना बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। फेस को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मे का इल्यूमिनेटिंग हाईलाइटर, और इसमें दो शेड हैं, एक है लाइट और एक है डार्क। तो मैंने टी जोन को फोकस करते हुए मैंने लाइट हाइलाइटर से पूरे फेस को हाईलाइट कर लिया, और जहाँ पे मैंने कॉन्ट्यूर किया है जिस पोर्शन पे उस पोर्शन को टारगेट करते हुए मैंने डार्क शेड से कॉन्ट्यूर कर लिया। और लिप शेड के लिए मैंने यूज़ किया है ये वाइन शेड, एंड दिस इज़ बाई शुगर पॉप, बहुत ही प्यारा सा ये कलर है। और पूरे फेस को दोबारा मैंने सेट कर लिया है ये मेबलिन के फिट मी सेटिंग स्प्रे से, एंड दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फाइनल लुक। गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, ये लुक अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा।